थिएटर के विश्वकोश हबीब तनवीर का आज 95वां जन्मदिवस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, भले ही हबीब तनवीर हमारे बीच ना हो, लेकिन व्यक्ति की महानता और उसका अस्तित्व उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। हबीब तनवीर ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके उत्थान में जो योगदान दिया, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। इतिहास के पन्नों में वो हमेशा गरजना करता रहेगा। उनका जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर यानी अब छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में 1 सितंबर 1923 को हुआ। उनके पिता हफीज अहमद खान पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले थे। स्कूली शिक्षा रायपुर और बीए नागपुर के मॉरिस कॉलेज से करने के बाद वे एमए करने अलीगढ़ गए। युवा अवस्था में ही उन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था और उसी दौरान उपनाम तनवीर उनके साथ जुड़ा। 1945 में वे मुंबई आ गए और ऑल इंडिया रेडियो में बतौर प्रोड्यूसर जुड़ गए। उसी दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में गीत लिखने के साथ साथ अभिनय भी किया। मुंबई में तनवीर प्रगतिशील लेखक संघ और बाद में इंडियन पीपल्स थिएटर यानी IPTA, जिसे हम इप्टा भी कहते हैं, उससे जुड़ गए। ब्रिटिश काल में जब वो इप्टा से जुड़े तब अधिकांश वरिष्ठ रंगकर्मी जेल में थे। उनसे इस संस्थान को संभालने के लिए भी कहा गया था। 1954 में उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहाँ कुदेसिया जैदी के हिंदुस्तान थिएटर के साथ काम किया। इसी दौरान उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ नाटक किए। दिल्ली में तनवीर की मुलाकात अभिनेत्री मोनिका मिश्रा से, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। यहीं उन्होंने अपना पहला महत्वपूर्ण नाटक आगरा बाजार किया था। 1955 में तनवीर इंग्लैंड गए और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट्स यानी राडा में प्रशिक्षण लिया। ये वो समय था जब उन्होंने यूरोप के दौरा करने के साथ वहाँ के थिएटर को भी करीब से देखा और समझा। अनुभवों का खजाना लेकर तनवीर 1958 में भारत लौटे और तब तक खुद को एक पौड़कालिक निर्देशक के रूप में ढाल चुके थे। इसी समय उन्होंने शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मृगहट्टिका पर केंद्रित नाटक मिट्टी की गाड़ी तैयार किया। इसी दौरान नया थिएटर की नींव तैयार होने लगी थी और छत्तीसगढ़ के 6 लोक कलाकारों के साथ उन्होंने 1959 में भोपाल में नया थिएटर की नींव डाली। नया थिएटर ने भारत और विश्व रंगकर्म के मंच पर अपनी अलग छाप छोड़ी। लोक कलाकारों के साथ किए गए प्रयोग में नया थिएटर को नवचार के एक गरिमापूर्ण संस्थान की छवि प्रदान की। चरणदास चोर उनकी कालजयी कृति है। यह नाटक भारत सहित दुनिया में जहां भी हुआ सराहना और पुरस्कार अपने साथ लाया। छत्तीसगढ़ की नाचा शैली में 1972 में किया गया उनका नाटक गाँव का नाम ससुराल मोर नाम दमाल ने भी खूब वाहवाही लूटी। अपने जीवन में उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी सहित कई अन्य फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया। शरीर को त्यागने से पहले उन्होंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था ब्लैक एंड व्हाइट। विश्व रंगकर्म की जानी मानी शख्सियत हबीब तनवीर की जीवन शैली सादगी पसंद थी और वे सत्ता के गलियारों में कभी मदद की आस लेकर नहीं गए। हमेशा यह बात उठती रही कि अपना पूरा जीवन थिएटर को समर्पित करने के बाद भी उन्हें क्या मिला, लेकिन तनवीर को इसका मलाल कभी नहीं रहा। अपने जीवन की सांझ में वो आत्मकथात्मक पुस्तक पर काम कर रहे थे। समझा जाता है कि यह किताब पूर्णता के नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले ही कुदरत को कुछ और मंजूर था। तनवीर को 1969 में और फिर 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण मिला। 1972 से लेकर 1977 तक उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। newsviews360.com की तरफ से हबीब तनवीर को नमन और श्रद्धांजलि के रूप में ये छोटी सी प्रस्तुति। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।